हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेट से पोस्ट कर रही हूँ ये वीडियो, मेरा वट सावित्री के दिन का है और इतने दिनों से मैं वीडियो पोस्ट नहीं की क्योंकि मेरे घर में डेथ हो गया है मेरी मौसी का और बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। तो बहुत दिन से मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, पर मैंने सोचा कि ये पोस्ट मैं डाल देती हूँ ये वीडियो, क्योंकि मैं हर चीज़ की मेमोरी अपने पास रखना चाहती हूँ, चाहे वो वट सावित्री हो, चाहे वो कोई स्पेशल डे हो। तो मैं बस चाहती थी कि ये वीडियो मैं अपलोड करूँ। उधर पंडित जी लोग बैठे होंगे, इधर गाइस मैंने जाके देखा कि सारी औरतें सत सवर के पूजा कर रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के, पर मैं इस बार नहीं कर पाई क्योंकि मैं इस बार पूजा करने लायक नहीं थी। पर मेरे हस्बैंड को ही मैंने बोला कि जो भी दान वान देना है चलो दे देते हैं, और मैंने व्रत कर लिया और बैठ के कथा वहीं साइड में मैंने सुन लिया। तो पंडित जी ने बोला कि आपको जो भी दान दक्षिणा देना है देनी, सब मेरे हस्बैंड के हाथों मैंने करवा दिया और फिर पूजा पाठ संपन्न यहाँ हो गया और हम चले गए वापस। और वापस जाते टाइम हमने कुछ कुछ सामान लिया खा, उनको बोल दो दक्षिणा दे दो। तो गाइस हम जब वट सावित्री करते हैं तो उस दिन हम निर्जला नहीं रखते, जैसे हम दूध और फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो पहले दुकान चला जाए और पहले दूध वगैरह ले लिया जाए, फ्रूट्स ले लिया जाए, मखाना वगैरह जो भी होता है पहले ले लेंगे। तो हम यहाँ एक सुपरमार्केट में रुक गए और वहाँ से हमने कुछ कुछ चीज़ें ली। और नबू को हम सोता हुआ छोड़ के आए थे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमने पूजा कर लिया था। ये देखिए मेरे हाथ में बेना, क्योंकि बेना के बिना तो वट सावित्री अधूरा है। बट लिटरली मुझे इस बार बहुत बुरा लगा क्योंकि हम वक्त पे सब कुछ गड़बड़ हो गया। बट आशा है कि मेरा तीज अच्छे से जाए बस। और यहाँ सुकून से मैं फ़ैन के नीचे हवा खा रही हूँ। घर में आके मैंने यहाँ शरबत बनाया। खेल हो, बोल दे दो दीदी को, बोल दे दो। खाना कैसा लग रहा है साकू? सबसे बढ़िया क्या लग रहा है? अच्छा करेला। और ये मुंगौरी भी बनाई थी ना रोहिणी? मुंगौरी कैसा लग रहा है? फुलौरी नहीं है, मुंगौरी है। अदौरी खा लिए। ए छोटा इधर सुन, इधर आओ, खाना खा लो बेटा, इधर आओ, तुम इतने प्यारे हो। गाइस उसी दिन हमें निकलना था अपने होम टाउन गढ़वा के लिए, तो यहाँ भैया हमें छोड़ने आए हुए हैं नीचे तक, और नीचे हमारी कैब लग गई है। छोटा भी बैठ गया है, तुमको देख के मेरे को बुरा लग रहा है, मत रो। बाय करो आंटी को। बाय बाय। सो गाइस यहाँ हम स्टेशन आ गए हैं और तो रास्ते में मैंने पिया गन्ना का जूस और ये बच्चा मुझे देख के मांग रहा था तो मैंने इसे भी पिला दिया। रास्ते भर मेरे हस्बैंड ने नवू को संभाला और मैं किताब लेके बैठ चुकी थी पढ़ने, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे मेरा पेपर था, एग्ज़ाम होने वाला था, तो मुझे एक एक चीज़ पढ़ना था ध्यान से। और यहाँ मेरा हस्बैंड नवू को संभालते हुए, तो इस मेरे मन में बस इतना था कि कैसे भी मेरा एग्ज़ाम बढ़िया जाए। और उस टाइम को भी मैंने यूटिलाइज़ किया। दूसरे दिन यहाँ देखिए मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ और बहुत अच्छा गया मेरा पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।